नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। स्टॉक की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ESL काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, क्योंकि जब से प्राइवेट होने के न्यूज़ आए हैं और इस शेयर में काफ़ी तेज़ी से खरीदारी हो रही थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने अपना नया 52-week हाई यानी 101.40 रुपये का बनाया था। अगर बात करें क्लोजिंग की तो आप देखेंगे 83.85 रुपये भी यह शेयर क्लोज हुआ था। 10% के लोअर सर्किट के साथ इस शेयर में क्लोज होता हुआ दिखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इसने नया 52-week हाई बनाया तो फिर इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, उसकी बात कर लेते हैं और साथ के साथ कुछ और डिटेल देखते हैं। अगर इसमें बात करें डिलीवरी की तो आप देखेंगे 19.18% की डिलीवरी उठाई गई है, 1,26,51,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी। तो और डिटेल देख लेते हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट अभी किया जा सकता है कि अभी हम इस शेयर में और गिरावट आएगी। उससे पहले डिटेल देखें तो यह शेयर इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो FD से थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिल जाएगा इस शेयर में, क्योंकि दोस्तों यह वह शेयर है जो कि किसी साल अच्छा खासा रिटर्न देता है तो किसी साल इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाती है। डिविडेंड का डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की तो यह शेयर ओवरबॉट जोन में इंक्लूड हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी रेड फ्लैग अवेलेबल नहीं है। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें यानी पिछले 4 सालों का अगर इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो उसमें हमें देखने को मिला था कि इनका जो रेवेन्यू है वो आप देखेंगे कभी बढ़ता है तो कभी घटता जाता है। उस हिसाब से अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले 4 सालों से प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, बल्कि कंपनी को लॉस ही हो रहा है। अगर इनका लॉस देखेंगे तो लॉस की बात करें तो आप देखेंगे 1,000 करोड़ में अवेलेबल हैं। तो देख लेते हैं डिटेल। 2017 में आप देखेंगे 1,47,000 करोड़ का इन्हें लॉस हुआ था। अगर बात करें 2018 में तो देखेंगे 5,960,000 करोड़ का लॉस हुआ था इस बैंक को। अगर बात करते हैं 2019 की तो आप देखेंगे 5,420,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि ये लॉस कम होकर यानी 2020 में इस लॉस में थोड़ी गिरावट आई और यह 3,050,000 करोड़ आकर रुक गया। यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो तो कंपनी जनरेट ही नहीं कर रही है, लॉस ही हो रहा है। लॉस में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन 2020 में लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। तो हो सकता है प्राइवेट होने के बाद आप देखेंगे इसमें 4 बैंक के नाम आते हैं जो कि प्राइवेट होने के लिस्ट में, जिसमें एक बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है। तो अगर कंपनी प्राइवेट होती है, बैंक प्राइवेट हो जाता है, तो हो सकता है कि फिर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें। और पिछले एक जब से प्राइवेट होने के न्यूज़ आए हैं ये शेयर आप देखेंगे 60% तक की तेज़ी दिखा चुका है। जब से 1 साल की अगर बात करते हैं तो 40% की तेज़ी के साथ यह शेयर चल रहा है। तो और डिटेल देख लेते हैं। तो चार्ट देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो देखेंगे चार्ट जिस हिसाब से तेज़ी भागा यानी कि यह शेयर 50 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आया कि यह बैंक प्राइवेट होने जा रहा है उसके बाद इसने 101 रुपये का अपना हाई बनाया और इस टाइम यह शेयर 84.30 रुपये के आसपास चल रहा है। तो क्या इसमें डिटेल हो सकते हैं, क्या इस शेयर को अभी बाई किया जा सकता है? उससे पहले देखेंगे यह शेयर ओवरबॉट जोन हो चुका था, उसके बाद इसमें करेक्शन भी आना जरूरी था। तो जिन लोगों ने इस शेयर को नीचे बाई किया था वो अभी भी प्रॉफिट में है। तो 5 दिनों के EMA यानी कि 79.96 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यह शेयर इसके नीचे जाता है तो इस शेयर में भारी गिरावट आने के भी चांसेस हैं। तो इस लेवल पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप लॉस में यानी कि इस शेयर को आपने काफ़ी ऊपर खरीद रखा है तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिनिमम 1 से 2 महीने तक का टाइम देते हैं तो यह शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा और फिर से 120 यानी 120 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। तो अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 दिनों के EMA पे यह शेयर जाता है उसके बाद बाउंस बैक करता है तो फिर से इसमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये बाउंस बैक नहीं किया और वहाँ से भी नीचे शेयर गिरता है तो फिर इस शेयर में 70 रुपये का पहला टारगेट, उसके बाद और गिरावट आता है तो 62 रुपये का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर खरीदारी करनी है तो 60-50 रुपये के आसपास अगर यह शेयर जाता है तो फिर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। उससे पहले फ्रेश एंट्री लेना काफ़ी महंगा हो जाएगा इस शेयर के लिए। तो टारगेट्स ज़रूर से ज़रूर आप लिख लें ताकि आपको याद हो, या और जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको टाइम से एग्जिट करने का मौका मिल सके। जिस हिसाब से इस शेयर में लोअर सर्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि यह शेयर 50 रुपये तक के जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।